वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, आई होप आपको हमारी लास्ट फिगर्स वाली सीरीज अच्छी लगी होगी। तो अगर नहीं भी लगी होगी तो कोई बात नहीं गाइस, और भी अच्छी अच्छी आगे सीरीज हमने बहुत प्लान कर रखी है। तो प्लीज, मतलब आप कहीं जाएगा हमारे चैनल छोड़ के बने रहिएगा इस चैनल पे, हमें देते रहिएगा। यस, सो फिलहाल अभी लॉन्ग वीकेंड आ रहा था तो सोचा घर पे बैठ के बोर हो जाएंगे और क्या ही वेस्ट करें वो लॉन्ग वीकेंड। तो उसी के लिए हमने एक ट्रिप प्लान कर लिया है। तो चलते, लॉन्ग तो नहीं, छोटी सी ट्रिप प्लान करी है। हाँ, मतलब छोटी सी ट्रिप 3 दिन की। तो जाते हैं, आपको भी घुमाते हैं, हम भी घूमेंगे और लॉन्ग वीकेंड का यूटिलाइज भी कर लेंगे। तो गाइस चलो चले, रेडी हुए या नहीं हुए अभी तक? तुमने कैमरा ऑन नहीं किया है? ऑन है गाइस, देख लो इसको 2 घंटे से रेडी हो रही है, पिछले 2 घंटे से। बकवास नहीं। तो जहाँ पे हम जा रहे हैं वो रास्ता हमारे घर से करीबन 500 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब 300 माइल्स हो गया, राइट? तो मतलब अराउंड 6 घंटे की ड्राइव है हमारे घर से। हाँ, तो हमने ये सोचा है कि हम डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जब गए तो अभी जैसे 1 बजे हम निकले हैं तो 8 बज जाएंगे, तो इसलिए हमने बीच में ही एक जगह पे रुकने का प्लान बनाया और वहाँ पे हमने होटल वोटल सब बुक करा रखा है, तो वहीं पे जाएंगे डायरेक्टली अभी हम। तो अभी हम रुके हैं QFC। तो QFC से गाइस हमें उठानी है बर्फ उठानी है क्योंकि हमने कुछ खाने का सामान लिया है तो वो चिल्ड रहा है। हाँ, मतलब खराब ना हो। और जो हमारा होटल है वो यहाँ से मतलब 4 घंटे का है, मतलब ऑलमोस्ट मिडवे में ही है ना। चलो बर्फ उठाते हैं QFC से और फिर अपनी ड्राइव स्टार्ट करते हैं। एक और उठा लो बस। तो गाइस अभी हम कुछ अपने यात्रियों को उठा रहे हैं यहाँ से जो कि हमारे साथ प्रस्थान करेंगे। हेलो गाइस, चलो चलो चलो। हाँ, तो चलो 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 चलो। सो गाइस अब चलते हैं फाइनली तो उस जगह पे, गोल्डन डेल नाम है उस जगह का जहाँ पे हमने होटल बुक कराया है। तो चलो चलो।
सो गाइस पहुंच चुके अभी हम टेस्ला सुपर चार्जिंग स्टेशन पे. तो यहाँ से अभी कितना मतलब एक घंटे का और बचा है शायद रास्ता, जो होटल का रास्ता है. दो घंटे का मतलब एक दो घंटे का रास्ता और बचा है होटल का. टेस्ला का जो वैसे मैप है, जो सॉफ्टवेयर है, वो हमें सजेस्ट करा था कि एक और आगे है सुपर चार्जिंग स्टेशन, वहाँ पे रुकने के लिए. बट हम लोग यहीं पे रुक गए क्योंकि यहाँ पे खाने पीने के काफी सारे ऑप्शंस हैं, तो चार्जिंग भी हो जाएगी और वो भी दूसरा काम भी हो जाएगा. बाकी मैंने चार्जर लगा चुका हूँ टेस्ला का, तो 5-6 मिनट लगेंगे आई गेस चार्ज होने में. और बाकी उत्तम सर की वेट करते हैं, तो जैसे ही वो आएंगे तो फिर चलते हैं खाने पीने, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं. खाने के ऑप्शंस यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है. वैसे मैकडी और स्टारबक्स दिख रहा था यहाँ पे, तो मैकडी स्टारबक्स है. जितनी टाइम में हम फ्रेश हुए और हमने ऑर्डर किया, और जितने टाइम में हमारा ऑर्डर आया ना, उतनी टाइम में हमारी गाड़ी चार्ज भी हो गई है. मतलब आज हमने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है. और आई गेस जिन लोगों को शिकायत होती है कि मतलब जैसे बैटरी वाली गाड़ी है तो उसको चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है वगैरह वगैरह, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस. चार्जिंग स्टेशन में खड़ी करो और बाकी फ्रेश व्रेश हो गए, खाना पीना कुछ करोगे, रेस्ट करोगे, इतने में गाड़ी चार्ज हो जाती है आपकी. तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा ड्रोन शॉट भी ले लिया है. सो जो कि आपने अभी देख लिया होगा बताना फिर कैसा लगा. बट वो है कि हम ज्यादा ऊंचा नहीं ले जा पाए ड्रोन, बिकॉज कि हमारा ड्रोन जो है वो छोटा है, तो यहाँ पे छोटे ड्रोन की हाइट की लिमिट है, तो वो 15 मीटर ही ले जा सकते हैं हम. तो कोशिश करेंगे पेंटेड हिल्स जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे और ऊंचा ड्रोन उड़ा सके, कोई थोड़े अच्छे शॉट्स ले सके, कोई हैक वैक लगाएंगे. अभी हमारा ये टेस्टिंग वाला था. यस, तो चलते हैं यहाँ पे सब अपने होटल की तरफ. चलो अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं पहाड़ों के ऊपर. गाइस ये देखो काला पानी. काला पानी आने वाला है गाइस, यहाँ से काला पानी दिखेगा आपको, एकदम ब्लैक वाटर. कुछ भी है तो कुछ भी. अरे मुझे वो दिखाई ही रहा है, पता नहीं क्या पागल पता नहीं ये क्या है यहाँ पे. ये हमने यूएस में ही आकर के ऐसा मतलब देखा है कि यहाँ पर कुछ ही काला काला दिखता है, और सामने देखो कि ये क्या है. मतलब हमें पता ही नहीं चलता ये क्यों, ये जो एरिया है ये क्यों ब्लैक है. अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट करके बताना ये ऐसा क्यों है, मतलब किस चीज को डिपिक्ट करता है ये मैप में. फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने होटल. और होटल हमने बुक कराया था क्वालिटी इन होटल जो कि है गोल्डन डेल में. सो गाइस हम निकले थे 2 बजे और अभी बज रहे हैं 7:15, तो करीबन करीब 5 घंटे हमें लगे पूरा पहुंचने में. इंक्लूडेड हम जितना भी हमने इंक्लूडिंग हमारे स्टॉप्स और जो भी हमने चार्जिंग की सब मिला के. हाँ मतलब ठीक ठाक है, हम अच्छे खासे टाइम पे पहुंच गए. और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अभी समर चल रहा है, तो समर में क्या होता है ना यहाँ पे सिर्फ दिन होता है और रात होती है, शाम नहीं होती. तो अभी 7:15 बज रहे हैं और देखो बाहर मतलब सनसेट का कोई नामो निशान नहीं है, अभी तक उजाला ही उजाला है. तो जाते जल्दी से चेक इन वगैरह कराते हैं होटल का, और जब तक है तब तक मतलब घूम लेते हैं, आसपास घूम लेते हैं और देख लेते हैं, खाने पीने का भी जुगाड़ कर लेते हैं. तो चलो चलते हैं.
तो चेक इन हो चुका है हमारा, रूम नंबर मिला है हमें 128। तो यहाँ पे दो ही फ्लोर हैं, एक टॉप फ्लोर, एक मतलब फर्स्ट फ्लोर कह लो, ग्राउंड फ्लोर कह लो, जो भी है। तो नीचे वाले फ्लोर का है हमारा रूम। बाकी अभी उठाते हैं सामान और रखते हैं जल्दी से घर, रूम के अंदर, और मतलब रूम के अंदर रखते हैं और फिर देखते हैं आसपास कुछ क्या घूम सकते हैं। नहीं बाकी इसके होटल के सामने का सीन देखो यार, आप देख लो क्या मतलब मस्त नज़ारा है यार। सुबह सुबह उठोगे और ऐसा नज़ारा आपको दिखे। देते हैं अब आपको रूम का एक छोटा सा टूर, क्योंकि रूम भी छोटा सा ही है। तो यहाँ पर है हमारा वॉशरूम, देखो वॉशरूम। मैं वॉशरूम में काफी छोटा सा ही है और ये छोटा सा वॉशबेसिन है यहाँ पे, और यहाँ पर है हमारा बेड। देखते हो गाइस, रूम शुरू होते ही खत्म हो गया। बस एक अच्छी बात है इस रूम की कि व्यू जो है वो हमें काफी अच्छा व्यू मिला, क्योंकि ये कॉर्नर वाला रूम बहुत कातिल व्यू है यार ये। मतलब बाहर ही ऐसा, मतलब होटल के बाहर ऐसा व्यू है तो सोचो बाकी कैसा व्यू होगा यहाँ पे यार, और क्या फाड़ू जंग होगी। तो गाइस अभी थोड़ा सा हम करते हैं रेस्ट, क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव के बाद थोड़ा थक गए हैं, और उसके बाद फिर हम जाते हैं कुछ खाने के लिए। गाइस अभी चलते हैं खाने के लिए, क्योंकि हमें लगी है बहुत तेज भूख। तो अभी हम जा रहे हैं उत्तम भैया वाले रूम में। तो मैं तो जैकेट नहीं लेके आई, तो मैंने बीप जैकेट पहनी है। और गाइस बाहर का व्यू देख रहे हो आप, क्या मस्त, मतलब फाड़ू व्यू है। लोकेशन जो हमने चूज करी है वो बहुत अच्छी है, मस्ट रिकमेंडेड। गाइस हम खाने के लिए तो बहुत कुछ लेके आए, मगर खाने मतलब प्लेट्स और चम्मच वही भूला है। तो पहले वही लेने जाते हैं, क्योंकि इस रूम में होटल और प्लेट और चम्मच आती नहीं यहाँ पे। तो जल्दी से जाते हैं लेके आते हैं और खाना खाते हैं। गाइस आए हैं हम अभी डॉलर जनरल पे, तो यहाँ से जाके जल्दी से उठाते हैं प्लेट्स और चम्मचें। बाकी इसके आस पास का व्यू देखो यार, क्या मस्त व्यू है ना, क्या मस्त व्यू है। ओ ये रही प्लेट्स और चम्मच, हाँ और कौन सी है, ये वाली है, ये खाने वाली है, इसमें खाने बने हैं मस्त। ये सांचा वाला है ना, हाँ। ये ले लेते हैं सब्जी उब्जी, हाँ ये दो ले लें, हाँ हाँ ठीक है। ये सांचे वाली नहीं है, ये प्लेन है। अच्छा ये भी सांचे वाली थी। और चम्मच दो में हो जाएगा ना, स्पून ले लो। ये रहे स्पून, फॉक्स तो नहीं चाहिए ना, नहीं फॉक्स स्पून वाले ले लिए इसमें, हाँ। 28 स्पून है, और So, आ चुकी है प्लेट्स और स्पून, ग्लासेस, प्लेट्स और स्पून सब आ गया। खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है यार, बहुत भूख लग रही है। हाँ, छोले गरम करती है। सो गाइस खाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि बहुत भूख लग रही है यार, बहुत बहुत। आम का चाय वो देखो, भूखे चाय होता है। ये आ गया हमारा खाना। सो गाइस हमारे खाने में है चावल और छोले, आम का अचार, और आम का अचार वो भी इंडिया वाला, घर पे बनाया हुआ वाला। डिनर वगैरह करने के बाद और कल का प्लान के बारे में डिस्कस करने के बाद हम वापस आ चुके हैं अपने रूम पे। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि हर ट्रिप पे हमारे साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी हो ही जाती है, तो इस ट्रिप इस बार भी हमारे साथ कुछ ना कुछ हो ही गया। और वो ये कि हमने देखा कल का वेदर, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी अलर्ट था थंडरस्टॉर्म का, कल है पेंटेड हिल्स में भी बारिश। तो वो बारिश जो है वो है 1 बजे से स्टार्ट है बारिश, मतलब ऐसा भी फोरकास्ट में आ रहा है। हाँ, और यहाँ से पेंटेड हिल्स का रास्ता जो है वो 3 घंटे का है, मतलब 3 घंटे का है। आप बीच में स्टॉप वगैरह भी करोगे तो 3.5 घंटे मान लो, 3.5 घंटे लगेंगे। तो हमने पूरी गणित वनित लगा के ये हल निकला कि हमें यहाँ से सुबह 8 बजे
निकलना पड़ेगा, 8 बजे तैयार हो जाना पड़ेगा मतलब। हाँ। तो, मतलब अगर हम 8 बजे का बोलेंगे तो हम 8:30 बजे तैयार, तो जो कि थोड़ा इम्पोसिबल सा लग रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है। हमने सारे कॉम्बिनेशंस लगा लिए, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि हम आराम से उठे। अब ये तो जल्दी से आके सोते हैं क्योंकि अभी कितना बज चुके हैं, हाँ अभी 11:30, तो अभी पहले से अभी बज चुके हैं। उठते हैं सुबह और देते हैं आपको कल की अपडेट। तो बाकी इसी के साथ ये वाला ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज 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 गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं जल्दी हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।